Jai Mata Di. Welcome back to our channel Eternal Traveler. My name is Anshika and welcome back to another episode of Chit Chat with Eternal Traveler. तो जो हमारे पिछले दो एपिसोड्स थे चिट चैट विद एटर्नल ट्रैवलर में, वहाँ हमने आपके साथ शेयर किया था जहाँ आप जा सकते हैं कश्मीर में और मनाली में. अब हम आए हैं एक नई ट्रिप के साथ और एक नई जगह एक्सप्लोर कर. एक्सप्लोर तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ बहुत बार जा चुके हैं, बट यस ये ट्रिप हमारा कम्प्लीटली रिलीजियस ट्रिप होगा जैसे लास्ट टाइम मंचिका ने बोला भी था. तो एक्सप्लोर नहीं क्योंकि हम कोविड की वजह से दो साल नहीं जा पाए. इसके बहुत ज़्यादा हमारा मन था जाने का, हम कोशिश बहुत कर रहे थे बट हम जा नहीं पा रहे थे इसलिए. एंड कोविड से याद आया, अब हम तीनों फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं इसीलिए अब हमारी ये ट्रिप प्लान हुई है. तो अगर हम बात करें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं पांच देवियों के दर्शन के लिए जो शुरू होता है नैना देवी से. अब क्योंकि ये सब हिमाचल में पढ़ते हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेकर जा रहे हैं वो है हम तीनों की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, क्योंकि हम तीनों वैक्सीनेटेड हैं. अगर आप लोग प्लान करते हैं जाने का तो और आप लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको आरटीपीसीआर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी रिपोर्ट्स में भी आया था. रिपोर्ट ले जाना जरूरी. हाँ, दूसरी चीज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए या फिर आप आरटीपीसीआर 48 आवर्स के विजन का हो. करेक्ट. एंड दूसरी चीज जो हम लोग लेकर जा रहे हैं वो है हमारा ई पास हिमाचल में एंटर करने के लिए. तो उसकी जो भी डिटेल है वो पापा भी आपको बताएंगे. सिंपल वेबसाइट आप सर्च करेंगे गूगल पे ई पास फॉर हिमाचल, तो आप उसमें आपसे पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं, वो डिटेल्स आप फिल कर दीजिए. आपके आधार की डिटेल्स देनी पड़ेंगी एज अ मेन मेंबर. आपको बताना पड़ेगा एडिशनल मेंबर्स कितने हैं और आप अपनी व्हीकल से जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो वो सब डिटेल्स आपको ऑनलाइन एक फॉर्म सबमिट करेंगे. फिर पीडीएफ आता है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड यू कैन शो इट टू दी रिक्वायर्ड प्लेस. आप वहाँ पर दिखा सकते हो तो आपको एंट्री मिल जाएगा. करेक्ट. तो हम लोग यहाँ नोएडा से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं नैना देवी, जो यहाँ से कितना पड़ता है करीबन आई थिंक 6-7 आवर्स का डिस्टेंस है. किलोमीटर्स तो मुझे याद नहीं कितने एग्जैक्टली बट यस 7-8 आवर्स का टाइम लगेगा. तो हम अर्ली मॉर्निंग नैना देवी पहुँच जाएंगे. दर्शन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा चिंतपूर्णी, जो कि करीबन 2 से 2.25 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है वहाँ का चिंतपूर्णी का, और वो करीबन 120 किलोमीटर के आसपास है वो डिस्टेंस. बाकी जो भी किलोमीटर्स और टाइम ड्यूरेशन जितना भी हमें लग रहा होगा वो हम आपको जो जो वीडियोस बनाते जाएंगे उसमें हम ऐड करते रहेंगे. एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे हम लोग गूगल मैप के थ्रू जाएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर देंगे. अभी हम आपको अप्रोक्स बता रहे हैं क्योंकि किस टाइम पे ट्रैफिक होता है किस टाइम पे नहीं होता तो उसके अकॉर्डिंग इट फ्लक्चुएट्स. तो चिंतपूर्णी के बाद हमारा ज्वालाजी का होगा. ज्वालाजी के बाद या तो हम कांगड़ा देवी जाएंगे या चामुंडा देवी जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे, भीड़ रहती है, कितना टाइम लगेगा हमें हर मंदिर में दर्शन करने में. और ऑब्वियसली इस बार हम हमारा पर्सपेक्टिव भी अलग है, हम पूरी जानकारी प्राप्त करके आए उस मंदिर की हिस्ट्री आपको बता पाए. तो हर एपिसोड में हम आपको ये कोशिश करेंगे मंदिर के पूरे डिटेल्स, उस मंदिर की महानता क्या है, क्यों वो इतना फेमस है, क्योंकि हमें तो है कि हमारे एक्चुअली अगर आप इसके दादा दादी या इसके जो मेरे मॉम डैड थे वो हर साल हम लोग जाते थे पहले हम छोटे थे, कभी बस करके जा रहे हैं तो यू नो तभी से आदत पड़ी हुई हमें इस चीज़ की कि हर साल हमें जाना है वैष्णो देवी. और ये पांच देवी में तो मैंडेट है हमारा जाना, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से 2 साल हम नहीं जा पाए. अब टच वुड माता रानी ने बुला लिया है तो हमारा मौका बन गया है जाने का, तो हम जाने वाले हैं कुछ ही देर में. एंड ये जो हमारे जो ये सीरीज होगी पूरी देवियों की उसको हम नाम देंगे नवरात्रि स्पेशल, क्योंकि नवरात्रि भी आने वाली है. एंड पर्सनली हम लोगों को नवरात्रि बहुत पसंद है तो इस सीरीज को हम लोग नाम देंगे नवरात्रि स्पेशल. और इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जितने भी हम माता रानियों के दरबार में जाएंगे दर्शन करेंगे. तो वो पांच देवियां होंगी जैसे आपके नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालाजी, कांगड़ा देवी, चामुंडा देवी. और चामुंडा देवी इसके बाद अगेन हमारा रिलीजियस ट्रिप है वो है हमारा अमृतसर का. वो भी एक हमारा कहते ना छूट ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते और जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं. वहां जाके भी जो सुख सुकून मिलता है वो अनमैच्ड है, वो कहीं नहीं मिल सकता. आप जितने मर्जी लेजर में रह लो, आप जितनी मर्जी लग्जरी में रह लो, लेकिन जो मन की शांति वहाँ मिलती है ना वो देवियों पे जाकर या वैष्णो देवी जाकर या अमृतसर में जाकर, क्योंकि अभी तक हमने यही जगह एक्सप्लोर करी है तो इन्हीं के बारे में बताओ. हो सकता है और लोगों की आस्थाएं अलग अलग मंदिरों में होती है बट हमारी अभी तक तो यही है कि हमें जो रिलीफ, जो पीस, जो कामनेस
इन जगह मिलती है तो वो कहीं और नहीं मिल सकती है। वैसे हमारा जब कोविड नहीं आया था उससे पहले ये होता था कि हम देवियां वैष्णो देवी और अमृतसर हम हमेशा साथ में कवर करते थे, बट ड्यू टू दिस पैंडेमिक सब कुछ चेंज हो चुका है। कंस्ट्रेंट था, लास्ट टाइम भी हम जाते जब वैष्णो देवी गए थे मनाली हमने चूज कर लिया क्योंकि उस समय तक हिमाचल में मंदिर खुले नहीं थे। हिमाचल वैसे तो खुल गया था पर मंदिरों में दर्शन के लिए अभी तक वो ओपन नहीं किए गए थे, तो इसलिए हमें वो स्वॉप करके हमें उसकी जगह मनाली चूज करना पड़ा था। अब लेकिन हमने आपको ये तो बता दिया हम अमृतसर जा रहे हैं, लेकिन हम एक अमृतसर में एक स्पेशल प्लेस भी जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये तो रहेगा सस्पेंस क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा पंजाबी नेचर या कल्चर देखने को मिलता है, तो हम बताना नहीं चाहते हैं कि जगह का नाम क्या है, आपको पूरी डिटेल मिलेगी उसके बारे में अपकमिंग वीडियोस में। और जो आपके कमेंट्स आए, जो आपके फीडबैक्स थे कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इस बार पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके फीडबैक्स है कॉमेंट्स हम सबको प्रॉपरली आपको दिखाएं। एक चीज और मैंने तैयारी करी है अपने इको शो को अपने अल्ट्रोज में ऐड करने का, हमने इको शो 8 लिया हुआ है, तो एक्चुअली उसकी जो स्क्रीन होती है ना अल्ट्रोज की जो अपना डिस्प्ले है म्यूजिक का वो तो यूज रहता है मैप के लिए, अब अगर यूट्यूब पे सॉन्ग्स प्ले करने हैं क्या करना है, तो फॉर दैट रीजन हम इको शो को कनेक्ट कर रहे हैं अपनी अल्ट्रोज के अंदर। इसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपको अलग से शूट करके मैं आपको कैसे मैंने उसको ऐड करा क्या सेटिंग्स करी डेफिनेटली आई विल शो यू दैट। तो नेक्स्ट वीडियो शायद पॉसिबली वही होगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं होगा, उस वीडियो में काफी टाइम लगेगा, देखते हैं क्या पता अभी जाते हुए हम शूट कर रहे हैं। चलो लेट्स सी, विल सी दैट। सो विल वो वीडियो जब आनी होगी आपको अपडेट मिल जाएगा। अभी हमारी नवरात्रि सीरीज शुरू होने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आई रियली होप कि माता रानी इस बार मेरे एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स तो करा दे। एंड थैंक यू सो मच जो भी आप प्यार दे रहे हो या सपोर्ट दे रहे हो मुझे, आई एम रियली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो सॉरी फॉर द शॉर्ट ब्रेक। तो या अभी के लिए इतना ही था, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे शायद मुझसे ज़्यादा पापा आपको ग्रेटर नोएडा से या नोएडा से आपको नैना देवी तक के रास्ता होगा, कहीं से भी होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा। करेक्ट, मुझसे ज्यादा पापा करेंगे क्योंकि उन्हें रोज की ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं शायद सो भी सकती हूँ, यू नेवर नो। तो या सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दैट, इफ यू डिड डू लाइक ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो में एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है फॉर दिस 5-3-5 days जो भी हम देवियों पे जा रहे हैं, आपकी तरफ से भी अगर हमें कुछ प्रे करना है तो प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हम पहले दर्शन से पहले ही पब्लिश कर देंगे, नैना देवी के दर्शन से पहले आपको पब्लिश हो जाएगा, तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा जो कमेंट्स आप दे सके नैना देवी के बाद दर्शन के बाद। एग्जैक्टली, तो बाकी अगर चिंतपुर्णी ज्वालाजी या चमुंडा या कांगड़ा के लिए अगर आपकी कुछ ब्लेसिंग्स है या आप कुछ प्रेयर्स देना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, विल डेफिनेटली डू दैट। एंड ऑल्सो यू कैन सजेस्ट अस कि हम अमृतसर में मतलब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे हमें नहीं पता कि वो जगह भी विजिट करनी चाहिए, तो हाँ वी शुड ट्राई समथिंग न्यू, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं क्योंकि हम लोग अभी तो अमृतसर 2 दिन बाद जा रहे हैं। सो टिल देन यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो कि हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए अमृतसर में भी, और देवियों का भी आप बता सकते हो, हम इतना रुकते नहीं है देवियों पे इतना ज्यादा, हम लोगों का 1 दिन का ही ट्रिप बनता है इसीलिए इतना हम उस पर नहीं कर रहे कि आप यहाँ भी बताओ एक्सप्लोर करने के लिए, बट अमृतसर के लिए डेफिनेटली यू कैन डू दैट। सो या थैंक यू सो मच, जय माता दी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।